मेरा नाम गीता वैद्य है, इस सोनू वैद्य मेरे पति है। 10 साल से मेरे पति शराब पी रहे थे और इसे बहुत दारू बीड़ी पीने का बहुत आदत लग गया था, बहुत व्यसन करते थे ये। इसको मतलब छोड़ने की भी कोशिश कर रहा था तो छोड़ नहीं पाता था। फिर हमें झंझोट बबली सिस्टर ने हमें प्रार्थना के बारे में बताया, प्रभु के बारे में बताया, हमें लेके आए। प्रभु की दया हुई हम पर, मेरे पति का व्यसन छूट गया। अभी 4 साल हो गए व्यसन से मुक्त किया प्रभु यीशु ने, इसलिए मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद देती हूँ। और दूसरी गवाही है इसकी, दुष्ट आत्मा की भी बहुत तकलीफ थी से। 3 साल तक इसके दुष्ट आत्मा की तकलीफ रही, मतलब इसको सामने भी दिखाई देती थी दुष्ट आत्मा, आमने सामने बात भी करते थे, धमकी भी देती थी दुष्ट आत्मा इसको मारने की, कि मैं तेरे को उधर से गिरा दूंगा, पहाड़ पे से गिरा दूंगा, बहुत मतलब बहुत धमकी देते थे। दुष्ट आत्मा की तकलीफ से मेरे पति घर में बहुत तोड़ फोड़ करते थे, मतलब बहुत इसकी हालत ख़राब कर देती थी दुष्ट आत्मा। जो भी इसके आगे आता था उसी सामान को फेंक देते थे ये उठा के, और घर में लाइट को भी, चलते हुए फंके को भी पकड़ लेता था, और जो फोटो किसी पहले पूजा पाठ करती थी वो भी सब उठा उठा के फेंक देता था ये, और जो घर में कुछ भी सामान रहता था वही उठा के फेंक देता था, इतना तोड़फोड़ करता था। एक बार इसके ज़मीन में भी अपना हाथ मार लिया था, पूरा ही इधर से हाथ फट गया था इसका, 5-6 टाका आया था इसके हाथ में। मतलब दुष्ट आत्मा इसके ऊपर बहुत हावी रहती थी, पूरा हरदम इसका चेहरा भी अलग ही रहता था, बहुत इसकी हालत ख़राब रहती थी। इसका दुष्ट आत्मा की तकलीफ से इसका चेहरा भी काला पड़ गया था, बहुत हम लोग परेशान रहते थे। फिर मैं इसको सब जगह दिखाया, मैंने तांत्रियों के पास लेके गई, डॉक्टर को भी दिखाया, कुछ आराम नहीं होता था, पैसा ही पैसा खर्चा जाता था, कुछ आराम नहीं हुआ। फिर यहाँ पे हम प्रभु में लेके आए इसे, और प्रभु के में आने से धीरे धीरे इसका पूरी तरह से दुष्ट आत्मा की तकलीफ चली गई है, ये दुष्ट आत्मा दिखाई नहीं देती, अभी पूरी तरह से ठीक है मेरे पर, इसलिए मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद देती हूँ। मेरी लड़की की गवाही है, लड़की मेरी पैदा हुई तभी से वो भी बीमार रहती थी, बहुत बीमार रहती थी, तो डॉक्टर के पास दिखाते थे तो डॉक्टर बोला इसको दमा है, दमा की बीमारी है, तुम्हारे घर में किसी को दमा है क्या? मैं बोली नहीं, मेरे परिवार में किसी को भी दमा का तकलीफ नहीं है, फिर भी डॉक्टर बोलते इसको दमा का तकलीफ है। मैं बोली इतनी छोटी सी बच्ची को कैसे दमा की तकलीफ़ हो सकती है, और फिर भी हम लोग इसका दवा बहुत आता था, मशीन भी देते थे डॉक्टर मुंह पे लगाने के लिए, कुछ आराम ही नहीं होता था, हर दिन बीमारी रहती थी। ऊपर 2-2.5 साल की थी मेरी बेटी तभी से वो डॉक्टर बोले थे इसे दमा की तकलीफ़ है, प्रभु में आने से उसके दमा की तकलीफ़ चली गई है। अभी 4 साल हो गए मेरी बेटी अच्छे से है, प्रभु ने उसे चंगाई दी, इसलिए मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद देती हूँ, अभी मेरी बेटी ठीक है अच्छे से। और तीसरी गवाही मेरी है, मेरी भी बहुत तबीयत खराब रहती थी, सर में बहुत चक्कर रहता था, उल्टी आती थी, बहुत परेशानी रहती थी, मैं महीना महीना इसे बिस्तर पे ही पड़ी रहती थी, 10-10, 15-15 दिन बहुत हालत ख़राब होती थी। डॉक्टर के भी पास जाती थी, डॉक्टर भी का भी दवा लगता नहीं था। मेरे को भी प्रभु में आने के बाद मेरा भी सर का दर्द अभी निकल गया है, अभी अच्छे से रहती हूँ, इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ, प्रभु यीशु ने मुझे चंगाई दी। और दूसरी गवाही है मेरी, इस शुक्रवार को तो सुबह उठ के देखा मेरा एक हाथ उठ ही नहीं रहा, काम ही नहीं कर रहा, पूरा ऐसा हो गया किसी ने मेरे हाथ को बांध दिया है, किसी ऐसा रस्सी के साथ ऐसा जकड़ गया, ऐसा महसूस हुआ मेरे को, बहुत हाथ मतलब उठ ही नहीं पा रहा था, इतना दर्द कर रहा था। फिर मैंने प्रभु का आशीष तेल लिया और लगाया, प्रार्थना की, तो मेरे को तुरंत प्रभु यीशु ने चंगाई दी, मेरा हाथ ठीक है अभी तक, इसलिए मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद देती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही है, मेरा पहला लॉकडाउन में काम छूट गया था, तो हम लोग परेशान हो गए थे कि मेरे काम भी छूट गया, अभी क्या करेंगे, बहुत मतलब आधा काम मेरा छूट ही गया था, तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी। फिर भी मुझे विश्वास था प्रभु हमें हम
प्रभु पे हमें विश्वास था कि प्रभु ये काम छूट गया तो दूसरा हमें काम मिलेगा। तो मैं विश्वास से प्रार्थना करती रही। अभी प्रभु यीशु ने हमें अच्छा काम देके आशीष किया है। अभी 3 महीना हो गया है, अच्छा काम मिला है प्रभु की दया से, इसलिए मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम सोनू वैद्य है, मैं नाला सुपारा से आया हूँ। मुझे ना 2008 से बीड़ी और शराब पीने का व्यसन था, और व्यसन बहुत कोशिश करता था, व्यसन छूट ही नहीं रहा था। बहुत कई कई दिन तो खाना भी नहीं खाता था, पूरा ऐसे ही शराब पीता फिरता था। और प्रभु में आया, प्रभु ने मुझे उस व्यसन से दूर किया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करूं। और मुझे 3 साल तक दुष्ट आत्मा की तकलीफ थी, दुष्ट आत्मा मुझे ऐसे घूमते फिरते हुए दिखते थे और मेरे पीछे पीछे आ जाते थे, घर में तोड़ फोड़ करवा देते थे मेरे पे, मेरे को भी मार लग जाती थी। और रोशन जंजोट की फैमिली ने हमें प्रभु का नाम बताया, हमारे सामने प्रचार किया उन्होंने, और इधर लेके आए चर्च में। तो उसी दिन से मैं ठीक हूँ, प्रभु ने मुझे चंगा किया है। दोबारा मुझे कोई दुष्ट आत्मा की तकलीफ नहीं हुई, कोई दुष्ट आत्मा दिखी नहीं, इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करूँ। और प्रभु यीशु ने हमारी फैमिली को संभाला है, हमारी फैमिली को चंगाई दी, बरकत और आशीषों से भरा है, इसके लिए मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद देता हूँ।